Hello dear students, this is Priya and welcome to your maths class. And today we are going to discuss about the LCM. LCM means the least common multiple, and we can find the LCM of two or more numbers using the prime factorization method and the common division method. And today we are going to discuss about both these methods, and we will also learn few facts regarding the HCF and LCM. So students, our today topic is the least common multiple, that is also called as a LCM. First we will discuss that what do we mean by the LCM. LCM of two or more number is the smallest number which is a multiple of each of the numbers. Okay students, according to this definition of the LCM, जब आप टू या टू से ज्यादा numbers का LCM निकालते हो, ठीक है, what will LCM क्या होता है? It is the smallest number which is a multiple each of the numbers. Means आप जब suppose आपको यहाँ पे example लिया मैंने, find the LCM of 40 and 36. आप जब इनका LCM निकालते हो, ठीक है, तो जो आपका multiples निकालोगे, 40 के भी multiples निकालो, 36 के भी multiples निकालो, है ना, तो जो आपका common multiples में सबसे smallest वाला number होता है, that will be your LCM. So okay, हम इसमें first method करेंगे, that find the LCM of 40 and 36 by the prime factorization method. ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप पहले 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देन 36 की. राइट, अभी हम 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. हमें पता है सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम है हमारा 2, जो 40 को डिवाइड करेगा ऑन 20, देन 2 10 जा, देन 2 5 जा 10, है ना, देन 5 1 जा. सिमिलरली अब आप 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, smallest one is the 2, then 18, then 2, 9, 3, 3 and 3, 1. ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, prime factorization कर लिया दो numbers की. अब आपको पता है 40 की prime factorization क्या है आपकी, 2 into 2 into 2 into 5, and 36 की 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है, सबसे पहले आपने सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे. एक तो 2 नंबर है, एक 3 है और एक 5. सबसे पहले आप ये चेक करो 2 मैक्सिमम कितनी टाइम्स आ रहा है. 2 यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है ना. 2 सबसे ज्यादा 2 टाइम्स ही आ रहा है ना. तो अब हम क्या करेंगे, सो वी विल राइट द 2. सो स्टूडेंट्स, अब आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि हमारे पास एक तो 2 प्राइम नंबर है. पहले आप ऐसा करा करो स्टूडेंट्स, एक बॉक्स बनाओ. ठीक है, इन बॉक्स बनाने के बाद आपको पहले ये देखो कि आपके पास कौन कौन से नंबर्स एज ए प्राइम आए हुए हैं. एक तो 2 आया हुआ है, एक 3 आया हुआ है, एक 5. अगर और भी कोई होगा तो हम उसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे. ठीक है, अब हम पहले चेक करेंगे 40 में. 40 में 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3. 40 में 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स. 40 में 3 कितने टाइम्स आया है, आया ही नहीं है, तो 0. 40 में 5 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया. सिमिलरली अब 36 पे चेक करो, 36 में 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है ना. यहाँ पे मैं 2 का लिख रही हूँ, 2 कितने टाइम्स आया है 36 में, 2 टाइम्स. 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया. और 5 कितने टाइम्स आया 36 में, आया ही नहीं है, सो इट विल बी अ 0. अब हमने क्या देखना होता है बच्चे, मैक्सिमम टाइम जो चीज आई हुई है. 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 बार 2 मैक्सिमम है, तो 3 बार आप 2 की मल्टीप्लाई लिखो. 3 मैक्सिमम कितने टाइम है, इसमें तो 0 है और इसमें 2 है, तो ज्यादा कौन सा है, 2. 2 टाइम्स ज्यादा है ना, तो 3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स लिख लो, 2 टाइम्स लिख लो. 5 यहाँ पे 1 है और 0 है, बड़ा कौन सा है, 1 ना, तो 1 टाइम 5 की मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट्स, अब आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360. सो स्टूडेंट, 360 इज योर LCM. अंडरस्टूड बच्चे, दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द LCM. पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हैं. एक तो हमारे पास 2 डिजिट है यहाँ पर, एक 3 डिजिट है, एक 5. तो आप साइड में ऐसे टेबल बना लो 2 3 5 लिख के. जैसे यहाँ पे हमने 2 नंबर्स की फैक्टराइजेशन की, अगर 3 नंबर होते तो हम एक बॉक्स और बना देते.
फिर आपने चेक करना है कि 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम्स आया है, 2 3 टाइम्स आया, तो राइट हेयर 3, 36 में 2 कितने टाइम्स आया था, 2 टाइम्स आया था, सो आई हैव रिटन हेयर 2. सिमिलरली 3, 40 में कितने टाइम्स 3 है ही नहीं, सो इट इज 0. सो जब कौन सी चीज जिस पे मैक्सिमम टाइम है उस मैक्सिमम टाइम में हम उसकी मल्टीप्लाई लिखेंगे. जैसे 2 मैक्सिमम 3 टाइम है तो 3 टाइम उसकी मल्टीप्लाई लिखो आप. 3 मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 3 लिखोगे. 5 मैक्सिमम 1 टाइम है तो 1 लिखोगे. देन मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स. आवर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 दैट फाइंड द एलसीएम ऑफ 42, 18 एंड 24 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, लास्ट टाइम हमने 2 नंबर्स कंसीडर किए थे, दिस टाइम मैं 3 नंबर्स कंसीडर कर रहा हूं. इसी तरह से आपको 4 नंबर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जो हम सीख चुके हैं. सिमिलरली मैंने यहाँ 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 2 इंटू 3 इंटू 7. 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3. सिमिलरली 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, अब हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं आपके पास. मेक अ टेबल, हमेशा ऐसे टेबल बनाया करो फॉर योर कन्वीनियंस. एक तो मेरे पास 2 है, यहाँ पे 2 लिखूंगी मैं. एक मेरे पास 3 भी है, एक 7 है. ठीक है, तो 3 टाइप के नंबर्स है मेरे पास इसमें. और मेरे को कितने नंबर्स हैं, इस तरफ 3 है ना, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बनाऊंगी, 1, 2 एंड 3. ठीक है, पहले ये चेक करो कौन कौन से टाइप के प्राइम नंबर्स आए हैं आपके पास, ऊपर वो लिखो. देन कितने नंबर्स हैं आपके पास जिनकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, उतने ब्लॉक बनाओ. एक तो 42 की है, 18 की है और 24. ठीक है, जिन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की उनको इस तरफ लिखो आप, और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, 2, 3 और 7 यहाँ लिखो. अब आपको क्या चेक करना है कि 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम आए. 2 कितने टाइम है 42 में, 1 टाइम, सो राइट हेयर 1. 3 कितने टाइम है, 1 टाइम. 7 कितने टाइम आया है, 1 टाइम. ठीक है, टेबल कंप्लीट. अब 18 में चेक करो, 18 में 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम. 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम 3 है ना, तो राइट हेयर 2. 7 18 में है ही नहीं, तो राइट हेयर 0. 24 में चेक करो, 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम. और 3 कितने टाइम है, 1 टाइम. और 7 कितने टाइम है, आया ही नहीं है, तो वी राइट 0. अब हमें नेक्स्ट स्टेप होता है मैक्सिमम टाइम ऑकरेंस. 2 ये 2 था, 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 3 बार मैक्सिमम है ना. ये तो 1 1 छोटे हैं, मैक्सिमम है 3. 3 मैक्सिमम कहाँ है, 2 टाइम. 7 मैक्सिमम क्या है, 1 टाइम. अब पता है आप इनको राउंड करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई लिखना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया 3 टाइम. 3 मैक्सिमम कितने टाइम था, 2 टाइम. सो आगे आपको क्या लिखना है, 3 इंटू 3. नेक्स्ट 7 कितने टाइम है मैक्सिमम, 1 टाइम. सो आगे आप 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 7. ओके, सो अब आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई. जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 2 8 आगे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज ए 504 इज योर आंसर. अंडरस्टूड स्टूडेंट, दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ट्राई टू सोल्व एटलीस्ट 4-5 सम्स ऑफ दिस टाइप सो एज टू कमांड ऑन दिस मेथड. नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट मेथड इज फाइंड द एलसीएम बाय द कॉमन डिविजन मेथड. लास्टली वी हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉमन डिविजन मेथड. हियर आई हैव टेकन एग्जांपल दैट फाइंड द एलसीएम ऑफ द 24, 15 एंड 36. ओके, सो फर्स्ट यू विल डू दैट अरेंज द नंबर्स इन द रो सेपरेटेड बाय द कॉमास, लाइक 24, 15 एंड 36. ओके, नाउ फर्स्टली यू हैव टू चेक दैट डिवाइड देम बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. मीन्स हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और एटलीस्ट इन 3 में से 2 नंबर जरूर डिविजिबल होने चाहिए. सो ओके, फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द 2. 2 24 और 36 को डिवाइड करता है बट 15 को नहीं करता. बट एटलीस्ट मैंने आपको बताया 3 में से 2 डिविजिबल होने जरूरी है. सो 2 पे डिविजिबल है, हमारा क्वेश्चन आता है 12 24 का. 15 डिविजिबल नहीं है, सो वी कैरी फॉरवर्ड दिस नंबर एज इट इज. और 36 डिविजिबल है ऑन 18. नेक्स्ट अगेन इट इज डिविजिबल ऑन 2, क्योंकि 12 और 18 डिविजिबल है. मैंने आपको बताया एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए, सो इट इज ऑन 6. 15 को हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 18 ऑन 9.
अभी 2 के टेबल पे 6 डिविजिबल है लेकिन 15 और 9 नहीं है, और हमें पता है एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो 1 नंबर भी है तो हम 2 पे नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ऑन द 3. 3 2s आर, 3 5s आर एंड 3 3s आर. नाउ ऑल दीज 3 आर द प्राइम नंबर्स. अब 2 5 और 3 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो मींस अब हम इनको आगे डिवाइड नहीं कर सकते. सो वी विल स्टॉप हियर. एंड जो भी हमारे ये जो नंबर्स आए हैं द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स लाइक 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 3 मीन्स आप 2 2 3 ये तीनों, देन 2 5 एंड 3 2 2 3 2 5 3 आप इन सब की आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. सो योर एलसीएम विल बी 360 विल बी योर आंसर. आप इसको जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे 360 विल बी योर आंसर. सो दिस इज योर कॉमन डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स. आपके पास 2 नंबर्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 नंबर्स भी हो सकते हैं. आपको यही मेथड करना है कि आपको पहले सबको इस वे से लिखना है, इनके फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, देन आपने लास्ट में इनके जो प्राइम नंबर्स आ जाएंगे उनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है. हम इनके जो डिवाइजर्स हैं इनका प्रोडक्ट भी करेंगे, और ये जो अनडिवाइडेड नंबर है हमारे 2, 5 और 3 इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. Students, let's learn about few facts about the LCM and HCF. So, first number is that HCF of two co-prime number is always 1, and the LCM of two co-prime numbers is their product. Students, we have learned in our previous video about the co-prime number. Co-prime numbers वो numbers होते हैं जिन two numbers के बीच में common factor सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई common factor नहीं होता. For example, if I consider as a 5 and 6 number, आप पहले 5 के factors लिखो, what will be the factors of 5, that is 1 and 5, factors of 6 is 1, 2, 3 and 6, ठीक है, but दोनों में common factor क्या है, 1, ऐसे numbers जिनके अंदर common factor सिर्फ 1 होगा, that two numbers will be co-prime, means 5 और 6 क्या है, अब co-prime है, 5 नाउ अब हमें क्लियर है कि 5 एंड 6 क्या है, एक कोप्राइम नंबर है. जब हमें ये क्लियर हो गया कि 5 एंड 6 कोप्राइम है, सो इफ अगर मुझे लिखना हो कि एचसीएफ ऑफ 5 एंड 6, तो मैं फाइंड आउट नहीं करूंगी, बिकॉज ये दोनों कोप्राइम है तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा. आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. बट ऐसे 2 कोप्राइम नंबर का एलसीएम क्या रहेगा, इज देयर प्रोडक्ट, मीन्स 5 × 6 30 विल बी देयर प्रोडक्ट. दिस इज अ जस्ट अ ट्रिक स्टूडेंट्स, कि कोई दो नंबर ऐसे हैं अगर आपको पता है कि वो दोनों नंबर को प्राइम है, आपस में को प्राइम नंबर है, पहले आप प्रूव कर लो फैक्टर्स निकाल के, येस दे आर को प्राइम, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और एलसीएम हमेशा क्या रहेगा, देयर प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, दैट 5 × 6 इज इक्वल टू 30. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. सपोज आप किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके, इफ आई कंसीडर द नंबर्स एज ए 12 एंड 15, ठीक है, आप 12 और 15 का पहले क्या निकालो, एचसीएफ फाइंड आउट करो. ओके, मुझे पता है इसका एचसीएफ आएगा 3 एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स विल बी 60, ठीक है. अब मुझे पता है कि कभी भी आप एचसीएफ और एलसीएम का जब प्रोडक्ट करोगे, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या है, मीन्स HCF multiply LCM is equals to product of two numbers. मतलब अब आप प्रूव करके देखो, हमारा HCF है 3, LCM है 60, so 3 × 60. Product of numbers, हमारे numbers क्या थे, 12 और 15, 12 multiply 15. अब multiply करके देखो, 60 × 3 = 180 and 12 × 15 is also 180. मीन्स आपके एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. दिस स्टेटमेंट विल बी वेरी यूजफुल टू यू ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन, कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. स्टूडेंट्स लुक एट द अनदर फैक्ट, दैट इज फैक्ट नंबर 3, दैट इफ टू नंबर्स आर द फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ ईच अदर. मतलब आपके कोई दो नंबर है और वो आपस में एक दूसरे के फैक्टर भी हैं और मल्टीपल भी हैं, तो जो स्मॉलर वाला नंबर होगा वो आपका एचसीएफ होगा, और लार्जर वाला बिगर नंबर क्या होगा, आपका एलसीएम होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करो स्टूडेंट्स. लाइक आई हैव अ नंबर 5 एंड 20, ठीक है. अब 5 जो है 20 का फैक्टर है, क्योंकि 5 4 का क्या होता है,
फाइव इंटू फोर इक्वल्स टू 20 होता है, तो 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, ठीक है, और 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि अगर आप 5 इंटू 4 करते हो तो 20 आता है, तो 20 किसका मल्टीपल है, 5 का, मतलब 5 20 का फैक्टर भी है और 25 का मल्टीपल है, ठीक है, मींस दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के फैक्टर भी हैं मल्टीपल भी हैं, तो इनका जो HCF होगा ऐसे नंबर्स का HCF क्या होगा, 5, आप सोल्व करके देख लो चाहे इनका HCF, यू विल गेट योर आंसर एज ए 5, तो स्मॉलर वाला जो नंबर है वो HCF होगा और LCM कौन सा होगा, बिगर वाला नंबर दैट इज 20। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फैक्ट रिगार्डिंग HCF एंड LCM क्वेश्चंस, कि अगर आपके पास ऐसे दो नंबर है जो आपस में एक दूसरे के फैक्टर एंड मल्टीपल है तो स्मॉलर वाला नंबर आपका HCF होगा और बिगर वाला नंबर आपका LCM। आप चाहो तो इसको आपने डिविजन मैथड से या किसी भी मैथड से फाइंड आउट करके देखो, आपका यही आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, योर फैक्ट नंबर 4 इज दैट HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द LCM। आपका जो HCF होता है किन्हीं भी नंबर्स का, वो हमेशा ही LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। आप अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे उनमें आप ये चीज पाओगे हमेशा, कि जो आपका HCF आएगा वो हमेशा फैक्टर रहेगा LCM का।